इसीलिए थानवी फरमाते हैं, सहाबा की ख्वाहिश थी जब भी घर में कोई परेशानी होती तो नबी को बुलाकर दावत फरमाते थे, नबी की आमद से घर की परेशानियां दूर हो जाती थी। और इस दौर में नबी तो नहीं, सहाबा भी नहीं, तो नबी के वारिस से कभी कभी अपने घरों में उलमा को भी बुलाकर दावत दिया करो, खाली जवाया को भी समझना कुछ दावत, समदिना का तो समझते क्या यहाँ पर, ससुराली रिश्ते को दावत, कभी कभी उलमा को भी घर के अंदर बुलाना, कभी तुम्हारी ख्वाहिश भी आ पाओ। हजरत शायद मैं ताजे वाकियात बयान करता हूं तो लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। बेंगलोर में एक मौलाना एक साहब हैं जो कपड़े सीते हैं, आज भी दुकान है एक मस्जिद के बाजू उनका, उनके तीन बेटे, तीन के तीन हाफिज, तीन के तीन आलिम। मैं एक मर्तबा मस्जिद को गया तो वो फौरन आए, मुझे अपने दर्जी की दुकान को लेकर गए, बिठाए, और उसके बाद उन्होंने अजीब बात बताई कि हजरत मेरे तीन बच्चे भी हाफिज और आलिम हैं। मैंने कहा एक बेटे को जानता हूँ उनके, मैंने कहा कि जानता हूँ सब उनको, मैं जानता हूँ हजरत उनसे छोटे हाफिज भी हो गए, आलिम भी हो गए हजरत। उसके बाद उन्होंने कहा कि हजरत जब भी मेरी बीवी हामिला होती मैं बराबर कसरत से उलमा को घर में दावत देता था, उसी का सदका मेरे बच्चे आलिम बने। हाँ, काउंसलरों को दावत देते, बच्चे भी काउंसलर होते, एमएलए को दावत देते, बच्चे एमएलए बनते कि नहीं बनते कि, लेकिन उड़ता तो है मैं बनतू बोल को। उलमा घर को आएंगे तो रहमत, उलमा घर को आएंगे तो बरकत, उलमा घर को आएंगे तो मुसीबतें दूर होते हैं। उलमा को मामूली न समझो, ये तो उलमा को घर को बुलाना सहाबा की आदत थी, क्योंकि सहाबा नबी को बुलाते थे। आपके अंदर वो जज्बा है तो उलमा बुलाकर तुम्हें क्या भी बिरयानी खिलाना नहीं, तुम्हारे घर की सादी दालिज खिलाओ, क्योंकि फुकहा ने साफ लिखा है मेहमान बनकर जाने वाला मेजबान के खाने पर नुक्ता रखता है वो उम्मत का कमीना है। झूठ बोलना जायज? अरे मुंडी तो भी हलाओ भाई, जायज नहीं, जायज नहीं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहां झूठ बोलते हैं तो खुदा भी खुश होता है। उनमें से एक मकाम क्या कि अगर मौलाना मुझे दावत दिए, मैं मौलाना के घर को गया, उनके घर में खाना 19-20 नहीं 10-20 का फ़र्क था, फिर भी निकलते वक्त मौलाना बहुत दिना होगा था खाना ऐसा खा को, आज बहुत पेट भर को खाया, बड़ा मज़ा था मौलाना, घर वालों को भी शुक्रिया अदा करो बोलकर बोलिया, ये तो झूठ मोदी से भी बड़ा। ये झूठ मोदी जी के झूठ से भी बड़ा है, लेकिन चूंकि मेजबान का दिल खुश हो रहा है, अल्लाह फरमाते हैं बोलिया झूठ लेकिन लिखूंगा सच। बिरयानी खिलाना नहीं, हमें दाल खाए तो क्या समझते कि बोलकर तुम्हें काउंसलर एमएलए एमपियां जवाया ससरिया घुसूस ना सो, हम ना नहीं, क्योंकि हमें आलिम बने से दाल खा को क्या हजरत, हमें हाफिजा बने से दाल खा को हमें क्या समझेंगे, नहीं